जी मेरा नाम उमर अली और आपका भाई हाजिर अपने नए वीलॉग के साथ। अच्छा जी, आज का जो प्लान है, आज हम लोग जा रहे हैं भिक्षा और मेरे साथ जो जो है वो है दानिश और अली और अनीक। हम तीन बंदे एक बाइक पे जा रहे हैं हम, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, तो अभी निकल रहे हैं, देखते हैं क्या है मामला। अच्छा जी, ये हमेशा की तरह मेरे साथ अली, दानिश और अनीक, और ये मेरी एक बाइक पे जा रहे हैं हम लोग तीनों भिक्षा, चारों बंदे। अभी हम मटियारी पर हैं और अभी आधे घंटे का रास्ता है बाइक पर। अगर आपको सफ़र में जाना हो सामान कम लेके चले, तो इसलिए हमसे गलती हो गई, दादी को साथ लिया था, अब इसको छोड़ के जा रहे हैं नदी में फेंक रहे हैं। भिक्षा एक छोटा सा गाँव है और मशहूर व मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के नाम से मशहूर है। अच्छा जी, फाइनली हम लोग भिक्षा पहुँच गए और ये भिक्षा का मेन गेट है जो शहर का रास्ता है ना वहाँ का, तो हालत सबकी ख़राब है। ये दानिश है, दाढ़ा टाइट कर रहा है, अच्छा चश्मा पहन रहा है। अली अमान है यहाँ भिक्षा में, खाने वाने की जगह कौन सी अच्छी है? कुछ खाने भाई दरगाह के सामने भी अच्छी है, पिछवाड़े भी अच्छी है, सामने भी अच्छी है, जैसे पैसे देगा वैसे ही मिलेगी। ये सफ़र हमें थोड़ा यादगार बनाना था, इसीलिए हमने बाइक पे जाने का फैसला किया। अच्छा जी, फाइनली हम लोग भिक्षा पहुंच गए और ये भिक्षा का मेन बाजार है। यहाँ हम लोगों ने बाइक खड़ी करी आगे, और अभी हम लोगों को पैदल चलना पड़ेगा मजार के लिए। और ये बोल रहे हैं भाई कि कैमरा अलाउड नहीं अंदर। हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंध के अकाबिर औलिया में से हैं। आपका नाम अब्दुल लतीफ़ और आपके वालिद का नाम सैयद हबीब शाह था। आपके अजदाद 801 हिजरी में अरब से सिंध तशरीफ़ लाए और बुलड़ी में आबाद हुए, जो हैदराबाद के जुनूब में वाक़े है। हम लोग आए हुए थे भिक्षा के मज़ार के अंदर, और हमारे साथ सीन कुछ ऐसा हुआ कि कैमरा अलाउड नहीं किया, इसलिए अब मैं मोबाइल से ही शूट कर रहा हूँ। कैमरा बंद कर दो। आपकी शायरी के सबब सिंधी ज़ुबान आज जिंदा ज़ुबानों में शुमार होती है। हमारा स्कूल का बच्चा था, मतलब बच्चा नहीं, बड़ा हो गया माशाल्लाह पे, मेरा जूनियर था ये, और ये यहाँ मुरीद है। और कैसे हो भाई अमान? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हो? मज़ार के बारे में कुछ बताएंगे आप? ये मज़ार है साईं भिक्षा की, शाह साहब की, जो सिंध के बहुत बड़े मशहूर शायर हैं, और मैं हर साल आता रहता हूँ इधर ज़ियारत पे, और ये बड़ा ही, इनकी पोइट्रीज बड़ा ही हमें इंस्पायर करती हैं और बड़ा ही सुकून मिलता है यहाँ पे हमें आके। अच्छा जी, हम लोग आए हुए थे यहाँ भिक्षा और यहाँ कैमरा अलाउड नहीं था, तो अभी हमने एक दोस्त की दुकान में कैमरा रखवाया हुआ था यहाँ। बाकी ये कि आप निकल लें क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, लेट वैसे ही पहुँचे थे। क्या बात है सर, आपने बोला हमने ले लिया, बंद निकल लें, मेहरबान। पीछे लगा हुआ, पैसे मांग रहा है, नहीं है पैसे। ये क्या है दानिश, पता तो कर यार। ये हम देख रहे हैं इधर झील बनी हुई है, खूबसूरत सी जगह नजर आ रही है। बता क्या हाल है खुशा, क्या है ये, है क्या ये? अच्छा, ये सस्ती पुन्नो। अच्छा जी, हम लोग अभी आ गए हैं सस्ती पुन्नो। भाई ये सस्ती पुन्नो है, सस्ती पुन्नो। यहाँ का एक सबसे बड़ा मसला है, यहाँ जो बच्चे हैं ना बड़े पीछे लग रहे हैं पैसे के लिए। गरीब आदमी हम कैसे दें इनको पैसे, समझ में नहीं आ रही है बात।
अल हबीब रेस्टोरेंट है ये बिटशा में जी जी बिटशा। ये आपका ही है होटल? नहीं इसका इस भाई का जी, ये तो काम करता है खुद में यहाँ। हाँ हमारा ये मामा है। अच्छा होटल भी आपका ही है? मामा का जी, मामा का। यार जबरदस्त। और ये क्या क्या होता है खाने को? कोई खाने वाने का तो बताओ। जानी आलू मटर है, आलू चिप्स है, लमकीन है, लोबिया है, सादा है, दाल है। अच्छा जी, हम लोगों का प्लान था आज खाने का बिटशा। हम लोग चार बंदे एक बाइक पे आए। लोग समझ रहे होंगे कि यार एक बाइक में आए थोड़ा डेंजरस है। डेंजरस होता है, बट आप अगर तरीके से बाइक चलाएं। मैंने 60 की स्पीड में बाइक चलाई, आधा रास्ता मैंने चलाई और आधा दोस्त ने चलाई, तो बहुत सेफली हम लोग यहाँ पहुँच गए। हैदराबाद से जो हम निकले थे वो निकले थे हम 4:15 पे और 5:20 में हम एग्जैक्ट बिटशा में थे बाइक पे। 60 की स्पीड में हमने बाइक चलाई और बहुत सेफली इजीली हम लोग यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए। और अभी हम एक रेस्टोरेंट में आए, अल हबीब रेस्टोरेंट है बिटशा के अंदर, और यहाँ खाना खाते हैं क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया हुआ नहीं है। और ये दानिश और अनीक भी बेचारे मेरे साथ घूम रहे हैं दोपहर से ही, तो कुछ खाना वाना खाते हैं फिर यहाँ से हम लोग एग्जिट करते हैं, निकलते हैं। एंड कर दिया तुमने दाल और तुम्हारा अंडा ना लेवल वाला था, मतलब जबरदस्त बनाया तुमने भाई। ये होटल का थोड़ा एड्रेस बता देना जरा। अल हबीब रेस्टोरेंट वीआईपी रोड बिटशा प्रॉपर्टर मोर खास के लिए। नाम क्या है आपका? नसीर अहमद खास के लिए। नसीर अहमद, ठीक है नसीर भाई, निकल रहा। अच्छा जी, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।